Hello. Welcome to Arbind Singh Academy. We are discussing basic concept of chemistry, and today we are going to learn about balancing the chemical equation and stoichiometry of all the chemical equations. So what is that? So today we are going to learn about first balancing of equation, and thereafter we will learn about the what is the stoichiometry of the chemical equation. So without wasting time, try to understand how to balance the chemical equation. Balancing chemical equation is an act of intelligence. ऐसा कुछ इसमें फिक्स रूल नहीं है जिसके हिसाब से आप कोई भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि बैलेंसिंग का मतलब क्या है। बैलेंसिंग का मतलब ये होता है कि टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट होना चाहिए, पहली चीज। और कैसे, जितने एलिमेंट्स रिएक्टेंट में हैं उतने ही रिएक्टेंट प्रोडक्ट में होना चाहिए। इसका मतलब एक केमिकल इक्वेशन, एक केमिकल इक्वेशन इक्वेशन इज सेड टू बी बैलेंस, टू बी बैलेंस इफ the number of atoms of any element in reactants, is equal to number of atoms in product. Are equal to number of atoms in product, ठीक है? ये हम कर रहे हैं balancing chemical equation. We are learning balancing of chemical equation. राइट तो ये जितने रिएक्टेंट में है उतना ही अगर प्रोडक्ट में है तो हम उसे कहेंगे कि ये क्या है, बैलेंस। इससे क्या होगा कि टोटल मास इन रिएक्टेंट्स व्हाट विल बी द आउटपुट एज रिजल्ट ऑफ व्हिच द टोटल मास of compounds in reactant is equal to total mass of product are equal to total mass of product, ठीक है? ये होगा, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को होल्ड करेगा, ठीक है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को होल्ड करेगा। तो इसकी कोई स्पेसिफिक मेथड तो नहीं है, लेकिन हीट एंड ट्रायल मेथड से इसको किया जा सकता है। एक पार्शियल मेथड भी होता है, लेकिन उसकी जानने की जरूरत नहीं है। हम अभी हीट एंड ट्रायल मेथड की बात करते हैं कि कोई केमिकल इक्वेशन बैलेंस कब होता है। जैसे ये देखिए, अब पहले सबसे पहले हम लिखते हैं H2 plus O2 is equal to H2O. ये बन गया H2O, ये एक स्ट्रक्चर के फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको हम कहते हैं स्केलेटन इक्वेशन। दीज आर कॉल्ड स्केलेटल इक्वेशन। यानी इस इक्वेशन में आपने लिख तो दिया जो बन रहे हैं और जो आउटपुट आ रहा है, इसकी इंफॉर्मेशन आपके पास थी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके वाटर बनाते हैं, लेकिन आपने वो लिख दिया। ये एरो के पहले जो है इसको हम कहते हैं रिएक्टेंट्स और इसको कहते हैं प्रोडक्ट। सो ये है रिएक्टेंट और ये है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट इसका। तो एरो के पहले जो पार्ट्स होते हैं उसको रिएक्टेंट्स कहते हैं और एरो के बाद वाले को प्रोडक्ट कहते हैं, आउटपुट, ठीक है? रिएक्टेंट्स कौन कौन रिएक्ट कर रहे हैं, रिएक्शन देने वाले दो है, एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन।
अब इस स्केल्टल इक्वेशन को अभी हम बैलेंस नहीं कर सकते। यहाँ पे अगर मैं कहूंगा कि मास को कंपेयर करें, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होल्ड नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि हाइड्रोजन के यहाँ कितने हैं? दो एटम्स हैं, तो इसका मतलब है कि इसका मास हो गया 2 ग्राम, 2 ग्राम्स। और यहाँ ऑक्सीजन के 32, 32 प्लस 2 34 हो गए, 34, और यहाँ है 18 ग्राम। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास डू नॉट होल्ड इन दिस रिएक्शन। सो वी नीड टू जस्टिफाई दैट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होल्ड्स गुड। इसलिए क्या करना चाहिए कि एटम्स जितने भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको बैलेंस करना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये ऑक्सीजन यहाँ पे एक है और यहाँ पे कितने हैं? दो। तो इस तरह से ऑक्सीजन को दो करने के लिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ 2 ऑक्सीजन हो जाएगा। लेकिन हाइड्रोजन साथ के साथ यहाँ 2 × 2 × 2 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे, तो इधर भी 4 हाइड्रोजन होने चाहिए, इसलिए इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2H2 + O2 = 2H2 हो जाएगा। और ऐसी स्थिति में हमारा क्या आ जाएगा, यानी इसको नीचे मैं लिखूं तो ठीक रहेगा, 2H2 + O2 = 2H2O, ऐसा हो गया। अब इसमें देखिए मास जो है वो कंजर्व है, कैसे? यहाँ देखिए 2 × 2 + 32, यहाँ पे 2 × कितना, 2 + 16, यानी ये हो गया 4 + 32, और इधर भी हो गया 2 × 18, ये हो गया 36, और इधर भी हो गया 36, यानी मास जो है वो कंजर्व है। तो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की जरूरत क्यों है? ताकि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो बेसिक प्रिंसिपल है लॉ ऑफ केमिकल रिएक्शन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास शुड होल्ड, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होल्ड गुड, ये होना चाहिए। इसके लिए भी हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की जरूरत है। अगर ये नहीं करेंगे तो ये रूल को होल्ड नहीं करेगा। इसलिए अब सवाल है कि बड़े इक्वेशंस हो तो कैसे करेंगे? जैसे यहाँ पे देखिए एक और छोटा इक्वेशन ले लेता हूँ, Na+Cl2, ये बन गया NaCl। तो NaCl, अभी देखिए यहाँ क्लोरीन 2 है तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। अब 2 से मल्टीप्लाई करने से क्लोरीन 2 हो जाएगा, सोडियम तो एक ही रह जाएगा, इसलिए सोडियम भी 2 होना चाहिए, तो यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दिया। तो बड़े एलिमेंट्स में स्टेप क्या है कि सबसे बड़ा एलिमेंट जो होता है उसके एटम्स को पहले बैलेंस करें। आप ये एक ट्रिक कह सकते हैं या स्टेप कह सकते हैं। स्टेप 1, यू बैलेंस द एटम्स ऑफ कंपाउंड, बिगेस्ट कंपाउंड फर्स्ट। ठीक है, ये कर सकते हैं, पहला स्टेप ये कर सकते हैं। दूसरा कर सकते हैं कि बैलेंस द, उसके बाद उससे छोटे कंपाउंड को, और आखिरी में जो इंडिविजुअल होते हैं उनको बैलेंस करना चाहिए। तो एक रिएक्शन लेता हूं और उस रिएक्शन के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये बैलेंसिंग होता कैसे। कोई भी एल्केन का कंबसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में किया जाए, यानी सपोज करिए प्रोपेन, हम एग्जाम्पल के रूप में ले लेते हैं प्रोपेन। एक प्रोपेन इज व्हाट? C3H8 रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, देन व्हाट विल प्रोड्यूस? इट विल प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, इन सबकी एक बैलेंसिंग इक्वेशन में सबसे जरूरी बात होती है कि इनकी एक स्टेटस लिखनी होती है कि किस तरह का स्टेटस है। तो ये है गैस, ये भी है गैस, ये भी बन रहा है गैस कार्बन डाइऑक्साइड, और ये भी बन रहा है वाटर वेपर, तो ये भी गैस के रूप में होगा, ये भी रिलीज होगा, वाटर वेपर है। तो ऐसा अब इसको बैलेंस करना है तो कैसे करेगा? सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन सा एलिमेंट जो है सबसे बिगेस्ट कंपाउंड है। C3H8, ये है बिगेस्ट कंपाउंड, इसमें कार्बन 3 है ना। सो हमें पहले कार्बन को 3 करना होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें कार्बन को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये हो गया C3H8 + O2, और ये 3 से मल्टीप्लाई करने से 3CO2 + H2O। अब देखें कार्बन तो 3 हो गए दोनों तरफ, और हाइड्रोजन कितने हैं? यहाँ पे 8 हैं और यहाँ पे है 2 ओनली। इसका मतलब इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा,
तो देखते हैं कि C3H8 plus O2, अब ये हो गया 3CO2 plus 4H2O। अब देखेंगे क्या बच गया, कार्बन को हमने बैलेंस कर दिया, हाइड्रोजन को भी बैलेंस कर दिया, अब क्या बैलेंस करना है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन इधर में कितने हैं, 3 × 2 6, और यहाँ पे 4 6 + 4 10 है। इसका मतलब ये ऑक्सीजन को 10 करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से, 5 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन चाहिए। तो अब हम इसको लिख सकते हैं C3H8 plus 5O2 is equal to 3CO2 plus 4H2O। अब ऐसा ये रिएक्शन हो गया, ये हो गया बैलेंस, पूरी तरह से ये बैलेंस इक्वेशन है, क्योंकि इसमें जो कार्बन के एटम दोनों तरफ सेम है, कार्बन के एटम दोनों तरफ कितने हैं, 3, ऑक्सीजन के एटम इसमें 10 है, तो इधर भी 3 × 2 = 6 + 4 = 10, हाइड्रोजन के 8 है, तो इधर भी 4 × 2 = 8, तो ये हो गया बैलेंस, बैलेंस्ड, ठीक है, बैलेंस इक्वेशन हो गया। अब इस बैलेंस इक्वेशन से क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, द इंफॉर्मेशन ड्रॉन फ्रॉम ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड स्टोशियोमेट्री ऑफ द इक्वेशन, राइट ना। सो व्हाट इज स्टोशियोमेट्री, लेट मी एक्सप्लेन दिस फर्स्ट। सो द इंफॉर्मेशन ड्रॉन फ्रॉम अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इक्वेशन इज कॉल्ड स्टोशियोमेट्री, स्टोशियोमेट्री, स्टोशियोमेट्री इज कॉल्ड स्टोशियोमेट्री, राइट ना, स्टोशियोमेट्री उसको कहेंगे, TRY, ठीक है, स्टोशियोमेट्री। जो इंफॉर्मेशन ड्रॉ किया गया, द कोफिशियंट यूज्ड इन बैलेंसिंग द इक्वेशन टू एनी मॉलिक्यूल कॉल्ड एस्टोशियोमेट्रिक कोफिशियंट, एस्टोशियोमेट्रिक कोफिशियंट, कोफिशियंट। और ये एस्टोशियोमेट्रिक को भी हम थोड़ा अलग कलर से लिख देते हैं ताकि ये हाईलाइटेड रहे, एस्टोशियोमेट्रिक, राइट, दैट इज कॉल्ड एस्टोशियोमेट्रिक। ठीक है, तो एस्टोशियोमेट्री और इस कोफिशियंट को हम क्या कहते हैं, एस्टोशियोमेट्रिक कोफिशियंट। अब इससे क्या बैलेंस केमिकल इक्वेशन तो है आपके पास, क्या क्या इंफॉर्मेशन आपने ड्रॉ किया, तो पहला इंफॉर्मेशन जो हमने ड्रॉ किया है इससे वो क्या है, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन वन जो ड्रॉ किया वो ये ड्रॉ किया, व्हाट इज दिस इंफॉर्मेशन, कि 1 मोल ऑफ प्रोपेन रिएक्ट विथ 5 मोल ऑफ ऑक्सीजन गिव्स 3 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 4 मोल ऑफ वाटर। सो द फर्स्ट इंफॉर्मेशन वी हैव ड्रॉन हियर इज व्हेन 1 मोल ऑफ 1 मोल ऑफ प्रोपेन रिएक्ट विथ 5 मोल ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन दैट इज O2 गिव्स, व्हाट गिव्स, गिव्स 3 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 4 मोल ऑफ वाटर, गिव्स 3 मोल ऑफ 3 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड एंड 4 मोल ऑफ वाटर, एंड 4 मोल ऑफ वाटर, ठीक है।
ये एक इंफॉर्मेशन आ गई कि 1 मोल जो है प्रोपेन का वो रिएक्ट करता है 5 मोल ऑफ ऑक्सीजन से, तो ये देता है 3 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 4 मोल ऑफ वाटर. द सेम कैन बी एक्सप्रेस एज इंफॉर्मेशन टू दैट व्हाट इज दैट व्हेन वन मॉलिक्यूल ऑफ प्रोपेन C3H8 ब्रैकेट में लिख लेता हूँ, ठीक है, रिएक्ट विथ विथ 5 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, 5 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इट गिव्स 3 मोल ऑफ 3 मॉलिक्यूल ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 4 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ठीक है. ये दूसरी इंफॉर्मेशन ड्रॉ किया जा सकता है कि ये मॉलिक्यूल के फॉर्म में भी है. तीसरा इंफॉर्मेशन क्या ड्रॉ किया जा सकता है, एज, व्हाट इज द थर्ड इंफॉर्मेशन, और आई हैव रिटन हियर इन रोमन सो आई नीड टू राइट रोमन लेटर. सो हियर थर्ड इंफॉर्मेशन व्हाट वी हैव ड्रॉ, 22.4 लीटर ऑफ प्रोपेन सॉरी 22.4 लीटर ऑफ प्रोपेन रिएक्ट विथ 112 लीटर ऑफ ऑक्सीजन गैस एंड टू गिव 67.2 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 सीधे लिख देता हूँ, कितनी बार कार्बन डाइऑक्साइड लिखा है CO2 एंड 89.6 लीटर ऑफ वाटर ठीक है. ये एक इंफॉर्मेशन मिल गई ठीक है. इसी तरह से फिर अब अगर हम निकाले इसका एक मास के टर्म्स में तो भी एक इंफॉर्मेशन होगा. क्या होगा मास के टर्म्स में, कैलकुलेट करते हैं. C3H8 प्लस 5O2 रिएक्ट करने पे क्या मिलता है, ये मिलता है 3CO2 प्लस 4H2O ठीक है. तो ये देखिए क्या होगा, कार्बन का एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास 12 होता है, 12 इंटू 3 36 प्लस यहाँ 1 इंटू 8 प्लस 5 इंटू क्या होगा 16 इंटू 2 32 32 इंटू 5 160. So, सीधे सीधे लिख देते हैं 36 प्लस 8 44 ग्राम ये हो गया 44 ग्राम, और यहाँ पे 32 इंटू 5 160 ग्राम राइट ना, और यहाँ पे ये हो गया 44, 16 दूनी 32 12 44 44 दिया 132 ठीक है. सो 132 ग्राम, और यहाँ पे 18 इंटू 4 72 ग्राम. देखिए सब क्या बराबर है, ये अगर कैलकुलेट करोगे तो 204 ग्राम, और ये भी कैलकुलेट करोगे तो 204 ग्राम. सो दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 204 ग्राम, दिस वन इज आल्सो 204 ग्राम. तो वन मोर इंफॉर्मेशन वी कैन ड्रॉ हियर दैट वी कैन राइट हियर दैट 44 ग्राम ऑफ प्रोपेन 44 next 44 gram of propane react with 160 gram of oxygen O2 to give 132 gram of carbon dioxide CO2 and 72 gram
ऑफ वाटर वेपर ऑफ H2O। ठीक है, ये एक पूरा का पूरा ये भी एक एनालिसिस हो गया। तो इस तरीके से आप स्टोशियोमेट्री का मतलब ये हुआ कि कोई केमिकल इंफॉर्मेशन अगर पूरी बैलेंस इक्वेशन के फॉर्म में है तो वहां से हम डिराइव कर सकते हैं, एक वॉल्यूम के टर्म्स में, दूसरा मास के टर्म्स में, तीसरा मोल के टर्म्स में, चौथा मॉलिक्यूल के टर्म्स में इंफॉर्मेशन डेराइव किया जा सकता है। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इसका मतलब है कि ये इंटरकन्वर्टिबिलिटी है किसके किसकी, मास की मोल के साथ, मोल की नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के साथ, ठीक है, मॉलिक्यूल के साथ। और अगर ये पता हो तो दूसरा चीज भी पता कर सकते हैं, ये इधर पता कर चल जाएगा और इधर पता कर चल जाएगा, यानी सब इंटर कन्वर्टेड है। आइए कुछ न्यूमेरिकल के जरिए इन्हें समझते हैं। ठीक है, लेट अस डिस्कस सम न्यूमेरिकल एंड यूज इट टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द सेवरल क्वेश्चन, राइट? ओके, फर्स्ट क्वेश्चन आई एम गोइंग टू टेक ऑन हियर, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन that is CH4 is required to produce 22 gram of CO2 gas 22 gram of CO2 gas 22 gram of CO2 gas. ठीक है, so how many moles are required? So first of all we need to write the skeleton chemical equation after combustion. ये लिखा है इसमें कि after combustion. So सबसे पहले लिखेंगे CH4 जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, कंबसन ऑक्सीजन के साथ होती है और बनाएगा क्या, ये कार्बन डाइऑक्साइड, राइट, और प्लस वाटर ये बनाएगा। अब दूसरा काम क्या है कि इसको बैलेंस करना। यहां से देखिए, सबसे पहले बड़ा मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन में, इसमें कार्बन कार्बन एक है, हाइड्रोजन चार है, तो हाइड्रोजन को चार करने के लिए इधर टू से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2H2। अब यहां पर क्या होगा कि हाइड्रोजन तो चार हो गए, ऑक्सीजन कितने रह गए, ऑक्सीजन यहाँ दो और यहाँ से दो, चार, और यहाँ पे ऑक्सीजन चार है तो यहाँ पे भी टू से मल्टीप्लाई कर देंगे तब ये हो जाएगा चार। सो इस तरह से ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गया। इसका मतलब ये इंफॉर्मेशन मिला कि 1 मोल ऑफ मीथेन रिएक्ट विथ 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन टू गिव 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 मोल ऑफ वाटर। ठीक है, तो 1 मोल ऑफ मीथेन इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, एंड 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज हाउ मेनी ग्राम्स, दिस इज इन टर्म्स इन ग्राम्स, दैट इज 44 ग्राम्स। आपको पता है कैसे, सो 1 मोल ऑफ कार्बन मीथेन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 44 ग्राम्स। 44 ग्राम कैसे आता है वैसे थोड़ा बता भी दूं, ये हो गया कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16 इंटू 2, दैट इज 44। सो 44 ग्राम्स बेसिकली 12, you may calculate 12 plus 16 into 2, that is 44 gram. So 44 gram, 1 mole of methane is required to produce, here we can write, since to produce 44 gram of CO2 can be produced by, to produce this 44 gram of CO2 can be produced by और ऐसे लिख देता हूं 44 ग्राम CO2 कैन बी फॉर्म्ड बाय 1 मोल ऑफ 1 मोल ऑफ CH4, राइट, 1 मोल ऑफ CH4 कॉमन सेंस है। 44 ग्राम के लिए अगर आपको 1 मोल चाहिए तो 22 ग्राम के लिए क्या चाहिए, हाफ मोल,
and therefore you can write in Nutri method 22 gram of CO2 can be required. So kya ho jayega? 1 upon 44 gram into 22 gram. So that is 1 by 2 mole. इसका मतलब हुआ 0.5 मोल ये रिक्वायर्ड होगा आपको इतना प्रोड्यूस करने के लिए. ठीक है, इस तरह से एक और क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं इसका क्या है. सकता लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड बाय combustion of sixteen gram of methane. So first we will write the chemical equation. Methane ये गैस है, रिएक्ट करेगा, combustion होगा ऑक्सीजन से, वो भी गैस है, और क्या प्रोड्यूस करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वो भी गैस, और वाटर वेपर, वो भी गैस. ठीक है, अब इसको बैलेंस करना है. तो देखिए कार्बन इधर एक है, इधर भी कार्बन एक है, कार्बन का कोई चक्कर नहीं है. हाइड्रोजन इधर फोर है और इधर हाइड्रोजन दो है, तो दो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. और ऑक्सीजन यहाँ पे दो है और यहाँ पे दो है, चार है, तो यहाँ पे भी टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट टू और टू यहाँ मिल गए इन दोनों के. और अब इसको हमें क्या करना है, बैलेंस कर दिया, अब इससे इंफॉर्मेशन हमें ड्रॉ करनी है. तो इन्फॉर्मेशन क्या क्या मिलने वाला है ध्यान से ये देखिए. यहां से इसकी वेट हो गई 12 प्लस 4 दैट इज 16 ग्राम, 16 ग्राम. और ये वाटर हमें निकालना था, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस बाय 16 ग्राम ऑफ मीथेन. 16 ग्राम ऑफ मीथेन से कितना वाटर आएगा, यहाँ पे देखिए वाटर हो गया 2 मोल मिलेगा जो कि 18 ग्राम होता है, ये 18 दुनी 36, 36 ग्राम. सो 16 ग्राम ऑफ this will produce 36 gram of water. So therefore we can say by combustion of 16 gram of methane 30 we get 36 gram of water, right? इस प्रकार से ये सारा जो आपने बैलेंसिंग और स्टोइकोमेट्री की बेसिक जानकारी जो है वो आपने सीख लिया. नाउ वन मोर थिंग इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट. व्हाट इज दिस लिमिटिंग रिएजेंट व्हिच व्हाट. कई बार ऐसा होता है कि व्हेन टू और मोर कंपाउंड्स आर कंबाइंड टुगेदर और दोनों की एक रेशियो में कंपाउंड होना है, रिएक्शन करना है, लेकिन जितनी रिएक्शन के लिए दूसरी कंपाउंड चाहिए उतना वो कंपाउंड नहीं है, तो रिएक्शन क्या होगा, रिएक्शन पूरा नहीं होगा. जितनी देर तक वो बचा हुआ है उतनी देर तक रिएक्शन होता रहेगा, जैसे ही वो खत्म हो जाएगा रिएक्शन बंद हो जाएगा, चाहे पहला एलिमेंट कितना भी अवेलेबल क्यों ना हो रिएक्शन तो होगा नहीं, क्योंकि दो चीजों से बनना है. अगर पहली चीज खत्म हो गई तो दूसरी चीज से रिएक्शन होगी नहीं. जैसे आप प्रिंटर में प्रिंट आउट आपको 100 पेज निकालना है और आपका इंक खत्म हो जाए तो पेज चाहे जितना भी रहे आपका प्रिंट आउट नहीं निकल सकता. निकल सकता है क्या, प्रिंट आउट निकलता है किसकी वजह से, पेज और इंक के कॉम्बिनेशन से. आपको 300 पेज प्रिंट आउट निकालना है और आपके पास 500 पेज बेशक है और 200 पेज निकालने के बाद इंक खत्म हो गई तो आपका प्रिंट आउट निकलेगा, नहीं निकलेगा. इसी तरह से दो तरह के जब केमिकल रिएक्शंस में जब दो एलिमेंट्स मिलते हैं या कंबाइन होते हैं तो एक एलिमेंट अगर कम हो, जितना जरूरत है उससे कम हो, तो क्या होगा, रिएक्शंस को लिमिट कर देगा, यानी रिएक्शंस पूरा परफॉर्म नहीं कर पाएगा, रिएक्शन थोड़ी देर के बाद बंद हो जाएगा. और जो कम अमाउंट में होगा वो क्या कर रहा है, वो रिएक्शन को लिमिट कर रहा है, इसलिए यानी कंट्रोल कर रहा है, तो इसलिए उसको कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट. इस बात को लिख लेते हैं. ठीक है, लिखते हैं क्या है, ध्यान से देखिए लिमिटिंग रिएजेंट. आइए देखते हैं लिमिटिंग रिएजेंट क्या है. लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ कंपाउंड, व्हेन एटम्स ऑफ टू एलिमेंट्स
कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म ए कंपाउंड बट ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन one of the element are not available, one of the element is not available in required amount for reaction. In that case, right now, in that case, it consume before completion of reaction. ठीक है, एंड हेंस इट लिमिट्स द केमिकल रिएक्शन. सच एलिमेंट्स और कंपाउंड्स which limit their chemical reaction called limiting agent. The reaction called limiting reagent. ठीक है, ये कहते हैं। तो ये इसका मतलब हुआ। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। और इस तरीके से हम कर सकते हैं, यही एक डेफिनेशन है, और इस तरीके से किसी भी केमिकल रिएक्शंस को कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। सो आइए अब देखते हैं कुछ इक्वेशंस के जरिए कि लिमिटिंग रिएजेंट कहाँ है और कैसे ही काम करता है और किस तरह से रिस्ट्रिक्ट करता है। एक एग्जांपल लेते हैं और इस एग्जांपल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है। ये एक क्वेश्चन है जिसमें लिखा है कि 50 ग्राम्स केजी ऑफ N2 एंड 10 केजी ऑफ H2 आर मिक्स्ड टू प्रोड्यूस NH3 अमोनिया गैस। कैलकुलेट द NH3 फॉर्मड, आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ NH3 इन दिस सिचुएशन। सो व्हाट टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड राइट द स्केल्टन इक्वेशन। क्या होगा स्केल्टन इक्वेशन, कि N2 रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, तो हाइड्रोजन के साथ, और क्या बना रहा है, NH3 बना रहा है। अब इक्वेशन को बैलेंस करें, NH3 में N यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना चाहिए, 2N हो जाएंगे। हाइड्रोजन हो गए 6 और यहाँ पे 2 है, तो यहाँ 3 होना चाहिए। ये अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गया। अब इसमें कह रहे हैं कि 1 मोल जो है वो 3 हाइड्रोजन के 3 मोल के साथ रिएक्ट कर रहा है। नाइट्रोजन का 1 मोल इसके हाइड्रोजन के कितने मोल के साथ रिएक्शन कर रहा है, 3 मोल के साथ। 3 मोल चाहिए अमोनिया बनाने के लिए, इसके 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन चाहिए। तो पहले हम देखते हैं कि ये 50 केजी जो 50 केजी नाइट्रोजन है उसमें कितने मोल हैं नाइट्रोजन के, उसके बाद हम जानेंगे कितने मोल है, और 10 केजी हाइड्रोजन में कितने मोल है। सो 50 केजी में मोल में 50 केजी मतलब 50,000। अब अमोनिया का एटॉमिक मास, मोलिकुलर मास क्या होता है, मोलिकुलर मास नाइट्रोजन का क्या होता है। सो मोलिकुलर मास ऑफ नाइट्रोजन इज N2। कैलकुलेट करते हैं मोलिकुलर मास ऑफ N2 इज इक्वल टू 14 × 2, दैट इज 28 ग्राम। So therefore, number of moles
इन 50 kg ऑफ N2 इज इक्वल टू 50 × 1000 ग्राम डिवाइडेड बाई 28 ग्राम. सो गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, सो दैट विल कम 1.7. 50 में 28 से भाग देना है तो ये हो जाएगा 25/14. सो दैट विल कम 1.786 × 10³ मोल, ये आ गया. अच्छा ठीक है, इतना मोल नाइट्रोजन के है इतने में. अब हमें 10 kg हाइड्रोजन में कितने मोल है, 10 kg H2 में कितने मोल है. सो नंबर ऑफ मोल्स, मोलिकुलर मास ऑफ हाइड्रोजन इज, मोलिकुलर मास ऑफ हाइड्रोजन, मास ऑफ हाइड्रोजन इज H2 इज व्हाट, H2 इज 1 × 1.008, दैट इज यू कैन से, या रफली 1 ले लेता हूँ कैलकुलेशन के हिसाब से, तो ये क्या हो जाएगा 1 × 2, दैट इज 2 ग्राम्स. तो 2 ग्राम में 1 मोल होता है, राइट ना, 2 ग्राम में 1 मोल. सो 10 ग्राम में कितने मोल होंगे, 10 ग्राम में कितने मोल होंगे. सो देयर फॉर नंबर ऑफ मोल्स इन 10 kg, मोल्स ऑफ H2, मोल्स ऑफ H2 इन 10 kg ऑफ H2, 10 kg ऑफ H2 क्या हो जाएगा, 10 kg, kg का मतलब 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, दैट इज 2 ग्राम. सो ये हो जाएगा 5000 मोल. 5000 मोल आपको, ये रफली मैं कह दूं कि 5000 मोल जो है वो हाइड्रोजन के अवेलेबल है, और नाइट्रोजन के 1 मोल के लिए हाइड्रोजन के कितने मोल चाहिए, 3 मोल चाहिए. इसका मतलब है कि नाइट्रोजन के इतने मोल हैं, तो इसके लिए नाइट्रोजन के ये इतने मोल के लिए हाइड्रोजन के कितने मोल चाहिए. सो दैट विल बी, ये आ गया, इसको आप कहें तो मैं लिख दूं, तो 1786, दैट कैन बी रफली रिटन एज 1786 मोल, राइट ना, इतना मोल होंगे. सो फॉर 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, नाइट्रोजन लिखेंगे क्वेश्चन में फिर, सिंस फॉर 1 मोल ऑफ, 1 मोल ऑफ N2, 3 मोल ऑफ, ना 1 मोल ऑफ N2, 3 मोल ऑफ H2 रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड, एंड देयर फोर फॉर 1786 मोल ऑफ N2 हाउ मेनी मोल ऑफ H2 रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ मोल्स रिक्वायर्ड इज 3. यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ थोड़ा सा, H2, नंबर ऑफ मोल्स रिक्वायर्ड इज 3, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 रिक्वायर्ड इज 3 इज इक्वल टू 3. ठीक है, सो व्हाट विल बी दैट फॉर 7 8, मीन्स 3 टाइम्स, सो 7 1 7 8 6 × 3, दैट इज 8 6 3 जा 18, एंड 8 3 जा हाउ मेनी, 8 3 जा 24 एंड 125, 25 कैरी 2, एंड 17 3 जा 21, एंड 51 एंड 2 53. सो 5358, 5358 मोल्स ऑफ H2 रिक्वायर्ड. बट H2 के मोल कितने हैं, हमारे पास है सिर्फ 5000. इसका मतलब H2 पहले कंज्यूम हो जाएगा और रिएक्शंस पूरी नहीं हो पाएगी. अब सवाल है कि जब रिएक्शन नहीं हो पाएगी, 5000 तक ही रिएक्शन होगा, तो 5000 के लिए कितने चाहिए, 1/3 आपको चाहिए, 1/3 नाइट्रोजन चाहिए, तो 1/3 नाइट्रोजन चाहिए, और 1/3 नाइट्रोजन से अमोनिया कितना बनेगा वो हमें कैलकुलेट करना होगा. तो यहाँ पे खत्म कौन हुआ, पहले हाइड्रोजन खत्म हुआ, इसलिए हाइड्रोजन इज, सिंस हाइड्रोजन इज डी शॉर्टेज अर्लियर, कंज्यूम्ड अर्लियर, सो हाइड्रोजन इज, H2 इज लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट रिएजेंट. ठीक है, इतना, ये H2 पहले शॉर्ट हो रहा है, इसलिए नाइट्रोजन तो अभी भी अवेलेबल है, बट ये 5358 मोल चाहिए था पूरे नाइट्रोजन को कंज्यूम करने के लिए, लेकिन हमारे पास 5000 ही है, इसलिए ये पहले ही कंज्यूम हो जाएगा, तो हाइड्रोजन जो है वो लिमिटिंग रिएजेंट है. अब जरा इक्वेशंस पे फिर आते हैं.
ये इक्वेशन था कि 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन कितना बना रहा था, तो 2 मोल ऑफ अमोनिया बना रहा था, 2 मोल ऑफ अमोनिया बना रहा था, राइट ना। सो 3 मोल में 2 मोल कैन बी फॉर्म, 2 मोल ऑफ अमोनिया, 3 मोल, और ऐसे लिख देते हैं 3 मोल ऑफ अमोनिया हाइड्रोजन सेंस, सॉरी सेंस 3 मोल ऑफ, वी कैन राइट सेंस 3 मोल ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ अमोनिया, 2 मोल ऑफ अमोनिया NH3, बेटर इट वुड बी टू राइट NH3, राइट ना, 2 मोल ऑफ अमोनिया एंड देयर फॉर 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन विल प्रोड्यूस H2, विल प्रोड्यूस हाउ मच, 2/3 मोल ऑफ अमोनिया NH3, राइट, दैट इज, and therefore 5000 mole of H2 will produce 2/3 into 5000 mole of NH3, right, and we know 1 mole of NH3 is equal to how much, 17 gram, and therefore this is 2/3 into 5000 into 17 grams, right na, since 1 mole of NH3 is equal to 17 gram, since 1 mole of NH3 is equal to how many, 17 grams, so in that case this will be 17 to the 34, you have 5 to the 10, so this is 170000 upon 3 gram, that is 170000 upon 3 divided by 1000 kg, right na? So this 30 cancels, and now what will happen, so 170 divided by 3, 3 5 is 15, 2 and 20, 3 6 is 18, and 6 56.66 kg ye aayega kya, to ammonia, so that will be approximate value, because what I have taken, hydrogen is taken exactly 1, although it is 1.008. So, इस तरीके से ये अमोनिया फॉर्म हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लिमिटिंग रिएजेंट को आइडेंटिफाई करते हैं और उससे हम कैसे पता करते हैं कि कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है और उससे क्या होता है, कितना कम और कैसे फॉर्मेशन होगी, केमिकल रिएक्शन होगी, ये बात हम पता कर लेते हैं। सो आई होप यू गॉट इट एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब आवर चैनल टू, सो गॉड ब्लेस, अगली क्लास में फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए नमस्कार, ठीक है।